तो अभी तक मैंने बताया था कि कैसे काले दाग धब्बे वाले चेहरे पे मेकअप करना चाहिए। पूरे चेहरे के अंदर मेरे इस तरीके का मार्कर लगा हुआ है और उसको पूरा अच्छे से हाइड करके मैंने दिखाया है, और पूरा कहीं भी आपको डार्क स्पॉट मेरे चेहरे पे नहीं दिख रहे होंगे। अब हम लोग इसको सेट करेंगे एंड आगे का प्रोसेस बता रही हूँ मैं आपको। राउंड फेस पे किस तरीके से आपको फेस को कट करना है कॉन्टोर से, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्टोर पैलेट ले ले रही हूँ जिसमें हमारा कलर करेक्टर भी है। एंड आपको लेना है यहाँ पे ब्रश, तो ब्रश के लिए ये वाला ब्रश यूज करेंगे हम लोग, और यहाँ पे ब्राउन शेड लेंगे एंड पहले कट करेंगे अपने नोज को, जितना पतला शेप देना है आपको राउंड फेस पे कॉन्टोर कैसे करना है। बेस तो आपको सारे फेसों के लिए सेम टू सेम बनाना है, बट कॉन्टोर का अलग अलग तरीका होता है अलग अलग फेस के अकॉर्डिंग। नोज का तो आपको सेम ही करना है सब, सारे फेस के लिए, सारे फेस शेप के लिए जितना पतला करना है उतनी पतली गैपिंग होनी चाहिए बीच में। अब राउंड फेस जो होता है हमारा सॉरी, पहले से ही चौड़ा होता है तो आपको उसको थोड़ा सा लॉन्ग दिखाने की जरूरत है। तो राउंड फेस को कट करने के लिए ईयर के यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से लंबे में छोड़ेंगे। ओके, लॉन्ग फेस में डिफरेंट होता है, राउंड में इस तरीके से करेंगे। ये एरिया हमको कट करना है क्योंकि ये एक्स्ट्रा है हमारा। ओके, ये एरिया कट करना है और ये जो हमारा एक्स्ट्रा दिख रहा है कान के पास का, इसको कट करना है। ओके, इस तरीके से कट करना है, यहाँ पे कट करना है। इसके हिसाब से इधर हमारा ठीक है तो इधर नहीं कट करेंगे। यहाँ से आपको अगेन तिरछे में लेके जाना है। ब्लेंडिंग कैसे करनी है वो भी बता रही हूँ। ये वाला एरिया हैवी है तो इसको कट करना है, राउंड फेस में ये आएगा आपको हैवी। एंड आपको पूरा यहाँ तक नहीं लाना है क्योंकि ये हमारा ऑटोमेटिकली पतला होगा राउंड फेस में। यहाँ से इस तरीके से कट करना है, देन इसको ब्लेंड करेंगे। इस तरीके से लंबे में रखना है इसको। ओके, अब इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, आपको नोज के पास का जो ब्लेंडिंग है वो नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ओके, दूसरी साइड भी सेम करना है। हेयर के साथ इसको मिला देना ऊपर वाले बाल को, ऊपर वाले कॉन्टोर को। ये जो ब्लेंडिंग है इसको ऊपर की तरफ एक ही जगह पे जहाँ पे आपने लगाया हुआ है वहीं पे ब्लेंड करना है। तो आप देख रहे हैं सिर्फ लंबे में फेस आ रहा है मेरा, नहीं तो राउंड में चला जाता। तो अगर आपका राउंड फेस है तो आपको इस तरीके से तिरछा देना है। यहाँ का जो है वो अपने पीछे की तरफ इस तरीके से, और नीचे का जो है उसको नीचे की तरफ ब्लेंड करना है। यहाँ पे जो था वो एक ही जगह पे किया हमने, यहाँ का आपको नीचे फ्रंट के पास का आपको बालों के साथ मिक्स कर देना है। तो आपको दिख रहा होगा शेप अच्छे से समझ में आ रहा होगा कट फेस का। अब सेम उसी तरीके से आपको इस साइड का भी करना है। अब हम लोग इस पर यूज करेंगे ब्लश। तो ब्लश के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ लिक्विड ब्लश। ब्लश आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ब्लश भी आपको तिरछा ही लेके जाना है। ये है लाइट पिंक कलर का ब्लश, थोड़ा सा नोज पे जाएगा, थोड़ी पे जाएगा, दैट्स इट। इसको ब्लेंड कर लेंगे। ओके, लंबे में ही इस तरीके से ब्लेंड करना है।
अब थोड़ा सा कंसीलर दोबारा से यूज करेंगे और बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे ये एरिया में अपर लिप पे एंड थोड़ी पे बिल्कुल लाइट, बिल्कुल भी लाइट है, एकदम ज्यादा नहीं लगाना है। ओके अब बारी आती है हाइलाइटर की। तो हाइलाइटर लगाने पे हाइलाइटर हमारे पास जो है यहाँ पे पाउडर बेस में है, तो उससे पहले हम लोग अपने पूरे मेकअप बेस को सेट कर लेंगे, उसके बाद हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ एंड अपना ब्रश लूँगी और पूरे बेस को अच्छे से सेट करेंगे। ब्रश को कभी भी इस तरीके से नहीं लगाना है आपको, ब्रश को हमेशा राउंड राउंड करना है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से ब्लेंड होगा एंड मेकअप जो है बाद में केकी नहीं होगा, अगर अच्छे से आपका बेस रेडी होता है तो। सेट करना बहुत जरूरी है। तो आपको अच्छे से समझ, तो पूरा सेट करने के बाद हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। जितना प्रोडक्ट हम लोग अपने फेस पे अप्लाई करें, गर्दन और फेस मैच होना चाहिए, तो इसलिए आपको गर्दन पे भी स्किप नहीं करना है, फेस मैच कर लगा लेना है। ओके तो आपको कंट्रोल करना समझ में आ गया होगा। अब हाइलाइटर लगाएंगे हम लोग। हाईलाइटर जो है मैंने फेस पे भी लगाया है, बहुत अच्छा हाईलाइटर है। तो अगर आपका राउंड फेस है तो आपको हाईलाइटर कैसे लगाना है? हाईलाइटर हमने यहाँ पे ले लिया, नोज पे तो लगाना ही लगाना है। ओके अब आपको इस तरीके से लंबे में हाइलाइटर लगाना है, जिससे कि जो हमारा राउंड है वो कट होके लंबे में कन्वर्ट हो जाए और हाइलाइटर लगाने की वजह से ये वाला एरिया हमारा हाईलाइट होगा। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी, अलग अलग फेस पे अलग अलग तरीके से करना होता है। तो इस तरीके से आपको हाइलाइटर अप्लाई करनी है अपर लिप पे भी, थोड़ी भी एंड फोरहेड पे एंड आईब्रोज के नीचे इनर कॉर्नर पे। तो आज का जो वीडियो था, राउंड फेस पे किस तरीके से कॉन्टोर हाइलाइटर करना चाहिए, आई होप की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो आगे का प्रोसेस, आई मेकअप, लिपस्टिक, आईब्रोज कैसे करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।